वेलकम टू माय चैनल माय किचन सीक्रेट्स। आज मैं आप लोगों के साथ मेथी बेसन मटर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ये रेसिपी, ये मेथी मलाई मटर है ना, उसको भी भुला देने वाली है। आप रेस्टोरेंट में जाके पनीर की सब्जी मेथी मलाई मटर खाते हो ना, उसको भी भुला देगी, इतनी मज़ेदार बनती है। तो चलो हम देख लेते हैं इसके लिए क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक बंच मेथी का लिया है और उसको मैं ऐसे अच्छे से साफ कर लूँगी। हम यहाँ पे पत्ते ही लेंगे मेथी के। तो यहाँ पे पत्ते लेकर मेथी साफ होके रेडी है। अब हम उसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही झटपट से बनती है, बहुत ही इजी है, बहुत ही क्विक है और टेस्टी तो बहुत ही है। ये मेरी बहुत ही फेवरेट सब्जियों में से एक सब्जी है। अभी विंटर की सीज़न है और मेथी तो बहुत ही अच्छी मिल रही है, तो ये 10 मिनट में झटपट से बन जाती है और रेडी हो जाती है मज़ेदार मेथी बेसन मटर वाली सब्जी। तो इसको हम गर्मा गर्म रोटी, पराठे और नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बाजरे की रोटी और ज्वार की रोटी के साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब हमारी मेथी को चॉप करके पानी में वॉश करके रेडी है, हम एक बर्तन में निकाल देंगे उसको। अब हम उसमें सॉल्ट डाल देंगे जिससे हमारी मेथी पानी छोड़ देगी। उसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। सो तब तक हम मसाले की प्रिपरेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ली है। उसको मैंने चिली कटर में बड़े बड़े काट के पीसेस करके डाल दिए हैं और उसको हम चॉप कर लेंगे। तो आप यहाँ पे अदरक, लहसुन और मिर्च को स्ट्रिंग चॉपर में भी यूज़ कर सकते हो और हमाम दस्ते में भी चॉप कर सकते हो। तो ये हमारा अदरक, लहसुन और मिर्च चॉप होके रेडी है। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे। तो यहाँ पे हम ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेंगे। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। ऑयल गर्म हो जाए बाद में हम उसमें 1 छोटी चम्मच जितना जीरा डाल देंगे और जीरा जैसे ही चटकता है उसमें हम हमारे चॉप किए हुए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को डाल देंगे और उसको सौते कर लेंगे। बस हमें यहाँ पे उसका कच्चापन ही निकालना है, ज़्यादा नहीं भुनना है। और उसमें 1/2 छोटी चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देंगे और उसके बाद हम उसमें 2 चम्मच जितना बेसन डालेंगे। तो इस रेसिपी में ये मैजिक इंग्रेडिएंट है। तो ये रेसिपी का टेस्ट पूरा इस बेसन के आटे से ही आता है और उसको हम ऑयल में भून लेंगे अच्छे से। यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखनी है, नहीं तो हमारा बेसन जल जाएगा। अभी हमारी मेथी ने भी पानी छोड़ दिया है। अब हम उसको अच्छे से निचोड़ के हमने जो मसाला भुना है ना, अदरक, लहसुन, मिर्च और बेसन वाला, उसमें हम मेथी को डाल देंगे। फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे हम 2 चम्मच जितनी कसूरी मेथी डालेंगे। तो ये डालना बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमारी रेसिपी में सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो ये कसूरी मेथी डालना मत भूलना। और अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 1/2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेथी के पत्ते भी अच्छे से कुक हो जाते हैं और बेसन को भी हमने अच्छे से पहले ही कुक कर लिया है। बस हमारी मेथी बेसन सब अच्छे से मिल गए हैं। अब हम उसमें 1 कप जितना मटर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रोज़न मटर लिए है, आप फ्रेश मटर भी ले सकते हो और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना, इसमें कोई ऑनियन का यूज़ नहीं है,
कोई टमाटर का यूज़ नहीं है, फिर भी ये रेसिपी झटपट से बन जाती है और मज़ेदार बनती है। अब यहाँ पे मैंने पहले एक कप पानी डाला है और मैं उसको मिला रही हूँ। यहाँ पे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है हम पानी डालते जाएंगे, एक साथ में पानी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी और पानी चाहिए, तो मैं उसमें एक कप और पानी ऐड कर रही हूँ और उसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ना कि हमारी सब्जी का कलर कितना अच्छा से आया है, ग्रीन ग्रीन। अब हम उसमें बेसिक मसाले करेंगे। मैंने यहाँ पे एक चम्मच जितनी काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली है, एक चम्मच जितना धनिया पाउडर डाला है और आधी छोटी चम्मच जितना किचन किंग मसाला डाला है। तो यहाँ पे किचन किंग मसाला डालना ज़रूरी है, इससे हमारी सब्जी में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे। और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच जितना दही लिया था और उसको फैट के उसके अंदर डाल दिया है। इससे हमारी सब्जी में एक खट्टा सा टेस्ट आएगा, अच्छा सा, और क्रीमी सा टेक्स्चर देगा हमारी सब्जी को। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है दही डालने से। तो आप देख सकते हो उसका कलर, और यहाँ पे जो किचन में स्मेल आ रही है फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती अभी, ये बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप झटपट से 10 मिनट में कोई भी गेस्ट आपके घर पे आते हैं या कभी भी आपको कुछ अच्छा सा झटपट सा और टेस्टी खाना मन हो रहा है तो ये सब्जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब हम सब्जी को उबलने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे। ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हम बीच बीच में नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे चिपकेगा। और यहाँ पे देखो, मैंने ढक्कन नहीं लगाया था, ये मेरा किचन कितना गंदा हुआ है, मैं भूल गई थी। तो फ्रेंड्स, आप मत गलती करना, उसको ढक्कन लगा के ही कुक करना और बीच बीच में हिलाते रहना। अभी हमारी सब्जी ने ऑयल छोड़ दिया है, आप देख सकते हो कितनी क्रीमी सी, कितनी टेस्टी मज़ेदार सब्जी बनके रेडी है। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी आपको लग रहा है थोड़ी ठीक लिक्विड है, ठीक नहीं है, तो आप और उबाल सकते हो। आपको जिस कंसिस्टेंसी में खाना है आप उस तरह से बना के खा सकते हो। आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये कंसिस्टेंसी मेरे लिए परफेक्ट है। तो मैं अभी गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ और ये हमारी मीठी बेसन मटर रेसिपी रेडी हो गई है। तो 10 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म। अब हम उसको प्लेट में गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और रोटी, पराठा, नान, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, राइस, किसी के भी साथ ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है। और फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप ये सब्जी बना के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इसी तरह से नई रेसिपी के साथ, नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।